पैट्रियन किसे कहते हैं? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक समराइजेशन दूंगा आपको उर्दू में या हिंदी में, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि पैट्रियन क्यों एक सेफ चीज़ है और आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आजकल रजा समूह है ये बनाने लगा है, तो उसको सपोर्ट आप किस तरह कंफर्टेबली कर सकते हैं। देखिए, पैट्रियन बेसिकली जैक कॉन्टे एक म्यूजिशियन है, उसने बनाया था ताकि उस तरह के जितने भी म्यूजिशियन या कोई भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, कुछ भी हो, डेवलपर्स हों, गेम डेवलपर्स हों, वो उनको उनकी फैन बेस सपोर्ट कर सके, उनका बेसिकली रोटी पानी चला सके। तो पैट्रियन के अंदर बेसिकली होता ये कि पैकेजेस होते हैं और वो पैकेजेस टोटली कंटेंट क्रिएटर पर डिपेंड करते हैं। अब आजकल क्योंकि रजा समूह का केस चल रहा है, उसने मेंशन भी किस चीज़ को किया और पाकिस्तानी आवाम काफ़ी न्यू है इस चीज़ में, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें होता क्या है। फर्स्ट करें, रजा समूह ने दो पैकेजेस रखे हुए हैं, एक है $10 वाला है, एक है $20 वाला। ठीक है, $10 वाले के अंदर वो ये कह रहा है कि वो आपको बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी दिखाई जा रहा है। जैसे फर्स्ट करें, वो कोई रोस्ट वीडियो बनाता है, वो रोस्ट वीडियो बनाएगा तो वो आपको एक बिहाइंड द सीन फुटेज दिखाएगा, इसके अंदर वो फेल हो रहा है वैसे एज अ ब्लूपर। कभी कभार आपने देखा होगा अक्सर ऐसे कॉमेडी शोज के अंदर होता है कि वो दिखा रहे होते हैं कि वो कोई गिग्स करने लगे हैं तो वो फेल हो रहे हैं, तो आपको वो एंड में शो के दिखाते हैं, तो वो आपको इस तरह का कोई फुटेज दिखा सकता है। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि वो उसका दूसरा पैकेज होगा, जैसे फर्ज करें $20 का, उसके अंदर वो आपको एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएगा। ऐसी कोई कॉमेडी वीडियो या कोई ऐसे वीलॉग जो सिर्फ उसके पैट्रियन पर जो फैंस हैं उनको मंथली पेमेंट दे रहे हैं वो देख सकते हैं, तो वो उनको सिर्फ वो दिखाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली उसकी एक प्रीमियम फैन बेस बन जाएंगे। ठीक है, आप उसका ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे कि आप इसके सब्सक्रिप्शन जब चाहें, जब मर्जी चाहें उनको सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप जब मर्जी चाहें आप ख़त्म कर सकते हैं, तो इस चीज़ का डर ख़त्म कर लें कि आप एक कमिटमेंट बन जाएगी आपको, आप जब मर्जी चाहें आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बेसिकली नेटफ्लिक्स की जैसे सब्सक्रिप्शन नहीं होती, उस तरह का हिसाब है। ठीक है, जब मर्जी चाहें कैंसिल कर लें, जब मर्जी उनको सपोर्ट करना बंद कर दें, टोटली अप टू यू। अच्छा, तो अब ये होगी फैन बेस की बात। ठीक है, अब मैं आता हूँ कॉन्टेंट क्रिएटर्स के ऊपर। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आप किस तरह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? बेसिकली इसके अंदर आप पैकेजेस बनाएंगे अपने फैन बेस के लिए। ठीक है, और उनको आप स्पेसिफिकली उनकी मंथली पेमेंट के हिसाब से उनको आप एक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कॉन्टेंट दिखाना है उन्हें, तो आप उनको पेमेंट करनी पहले ज़रूरी होगी। ठीक है, और वो जब पेमेंट कर लेंगे और जो आपकी जिन्होंने पेमेंट की होगी मंथली बेसिस पे, उनको आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज फैन आपको फैंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो पैट्रियन माइट टेक एक्शन ऑन यू, सो रिमेंबर दैट। अच्छा, तो इसके ऊपर न्यूडिटी अलाउड है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी नहीं अलाउड, लेकिन काफ़ी हद तक अलाउड है। लेकिन कोई भी इस तरह की अगर कोई पोर्नोग्राफिक चीज़ है वो उसमें बिल्कुल नहीं अलाउड, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अच्छा, टू कंक्लूड दिस वीडियो, पैट्रियन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कंट्री के अंदर क्योंकि यूट्यूब का ऑफिस नहीं है, तो यूट्यूबर्स के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ बहुत मजे की है, क्योंकि यूट्यूबर्स को अगर वैसे भी पाकिस्तान को एक डिजिटाइजेशन की तरफ ये चीज़ लेकर जा सकती है। तो रजा समूह को हैक होने का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ है कि अब उसको पूरी दुनिया को एक चीज़ पता लगने लगी कि पैट्रियन क्या चीज़ है। अब पैट्रियन तो इस तरह पाकिस्तान है एक डिजिटाइज हो जाएगा, इसके वजह से पूरी दुनिया में देखिए कि हाँ यहाँ पे मार्केट है डिजिटाइजेशन की, तो फिर वो सारे यहाँ पे आएंगे, दैट इंक्लूड्स मे बी इवन पेपैल, सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। डोंट बी अफ्रेड टू सपोर्ट योर क्रिएटर्स, एंड इफ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर डोंट बी अफ्रेड टू पुट ऑन पैकेजेस देयर टू मेक योर फैंस सपोर्ट यू। ठीक है, ये सदका नहीं है, दे आर पेइंग फॉर योर वर्क। अब आप कोई चीज़ अगर करेंगे तो आपको उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। जैसे फर्ज करें मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं फैंस को कोई चीज़ अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी खून प्यास दे के उनको एक कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट्स ऑब्वियसली बात है कि आपको पेमेंट मिलना ज़रूरी है फॉर योर टाइम, जिस तरह कोई जॉब करता है बंदा। ठीक है, सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। माई नेम इज़ मोहम्मद हमजा फ़ारूक। अब ऑब्वियसली मैं कोई भरा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो से काफ़ी मदद मिली हो और आपको एक कंफर्ट महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मोर वीडियोज़ टू कम सून।